हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज का वीडियो किसी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या मेडिसिनल अपडेट के ऊपर नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वाले सारे ऑर्गेनिक गार्डनर्स के लिए हैं जो मेरी तरह किचन गार्डन में ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं या अपने खेतों में या फार्म्स में भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने गमले की पुरानी मिट्टी को बिना खाद के फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों को पता है कि कोई भी वेजिटेबल ग्रो करने के लिए या फ्रूट प्लांट ग्रो करने के लिए गमले में हमें मिनिमम 30-40% जो खाद की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन वर्मी कंपोस्ट वगैरह मंगाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। जैसे मिनिमम 250 रुपये की 5 किलो वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद मिलती है। तो इतने सारे पोर्ट्स में वर्मी कंपोस्ट 40% या 30% हर 3 महीने बाद भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इसका हम सब्स्टिट्यूट देखेंगे कि हमारा किचन वेस्ट से हम कैसे वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे हम अपने वेट किचन वेस्ट को इमीडिएटली अपने पॉट में यूज़ करके इमीडिएटली उसमें नया प्लांट लगा सकते हैं या सीड लगा सकते हैं। ये जो साथ में आप देख रहे हैं, ये सारे वेजिटेबल पील्स हैं। देखिए, आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं तो काफ़ी जो वेस्ट है वो हमारी किचन में से निकलता है, जैसे मूली, शलगम वगैरह के पत्ते, ऑरेंज पील्स हो गए, शलगम और वेजिटेबल पील्स हो गए, गोभी के डंठल हो गए, तो ये काफ़ी अमाउंट में निकलता है डेली बेसिस पे हमारी किचन में। तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली जो हमारा पॉट है, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, ये इस पॉट में मेरे गोभी लगी हुई थी। गोभी हार्वेस्ट करने के बाद मैंने साथ ही इसमें खाद ऐड करके दूसरा प्लांट लगाना था, तो मैंने क्या किया कि प्लांट की मिट्टी को 50% तक निकाल के उसमें अपना ये सारा किचन वेस्ट भर दिया और इसको नीचे वाली मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया और थोड़ा सा ऐसे खुरपी से इसे दबा दिया ताकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं या जो हैं वो थोड़े छोटे भी हो जाएं, जो बड़े बड़े डंठल हैं वो थोड़े छोटे भी हो जाएं और साथ ही नीचे वाली मिट्टी को आप इसमें मिक्स करते जाएं। देखिए, ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है अपनी किचन वेस्ट को मैनेज करने का। और जो हम 30-40% हमें गमले में खाद भरनी होती है दोबारा उसमें कोई प्लांट या सीड लगाने के लिए, तो उस खाद के बिना भी अपना गमला भरने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं अपने सारे पॉट्स इसी तरह भरती हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं आती। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नीचे जब ये किचन वेस्ट खाद बनती है और ऊपर हम सीड या कोई प्लांट लगा देते हैं तो खाद बनने की प्रोसेस में बहुत सारी जो गैसेस रिलीज होती हैं, तो उससे जो हम ऊपर प्लांट लगाते हैं वो ख़राब हो जाता है या उसमें फंगस लग जाती है या प्लांट में चींटियां आ जाती हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं 3 साल से ऐसे ही कर रही हूँ, सारे पॉट्स मैं अपने स्टार्टिंग में भी ऐसे ही भरती हूँ, क्योंकि देखिए हर बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सिंपलेस्ट और इजी तरीका है जिससे हमारा जो है किचन वेस्ट भी बाहर नहीं जाएगा लैंडफिल्स में, तो नेचर की भी हम एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं और फ्री में खुद भी फ़ायदा ले रहे हैं अपने जो हैं खाद के पैसे बचा के। तो सिंपली आपने क्या करना है, जिस भी गमले में आप हार्वेस्ट ले चुके हैं जिसमें आपने नया प्लांट लगाना है उसको आप 50% तक खाली कर लीजिए, 50% ऊपर वाली मिट्टी हटा दीजिए और इसमें जो है किचन वेस्ट भर दीजिए। किचन वेस्ट को थोड़ा थोड़ा खुरपी की मदद से दबाते जाइए ताकि जो बड़े बड़े डंठल हैं वो थोड़े छोटे हो जाएं और जो नीचे वाली 50% मिट्टी है उसके साथ मिक्स करते जाइए। इससे आप देखेंगे कि 1 महीने बाद ही ये जो है, अभी तो जैसे सर्दी है तो 1 महीना लग जाता है, नहीं तो कई बार इससे भी जल्दी जो है ना ये सारा किचन वेस्ट जो है ना वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तो जैसे ठंड ज़्यादा है तो हो सकता है महीना लग जाए। अब देखिए, इसके ऊपर हम कोई भी अगर छोटा पॉट वो लगाते हैं, पौध लगाते हैं या सीड लगाते हैं, तो
उसकी जड़ों को नीचे तक पहुंचने के लिए कम से कम एक महीने का टाइम लगेगा। तो तब तक तो ये जो सारा वेस्ट है ये कंपोस्ट में चेंज हो चुका होगा, तो हमारी प्लांट की रूट्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई इसमें चींटियाँ नहीं आती। बस आप ऐसे कीजिए कि नीचे वाली मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इससे जल्दी से आपकी कंपोस्ट बन जाएगी। और ये जो हमने मिट्टी ऊपर से निकाली थी ये वापस उसी गमले में आप फिल कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी बीच में डालते जाइए ताकि मिट्टी भी सेटल होती रहे और किचन वेस्ट भी सेटल होती रहे। तो मैं तो देखिए 3 साल से ऐसे ही कर रही हूँ और किसी तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं आती, ना मिट्टी में कीड़े पड़ते हैं किसी तरह के, जो स्लग्स एंड स्नेल्स होते हैं, ना चींटियाँ आती हैं, ना कोई बदबू आती है। नीचे वाली मिट्टी भी जो है वो एनरिच होती जाती है, क्योंकि जब खाद बनती है जो लिक्विड निकलता है वो नीचे वाली मिट्टी एब्जॉर्ब करती रहती है, तो गमले में से कोई भी फालतू बदबूदार लिक्विड नहीं निकलता और मिट्टी मिक्स होने की वजह से कंपोस्ट भी जल्दी बन जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे इसमें से मैंने गोभी हार्वेस्ट करी, उसके बाद मैंने आधी ऊपर की मिट्टी निकाली, किचन वेस्ट को देखा आपने कैसे खुरपी से दबा दबा के और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डाला ताकि सेटल होती जाए, और जो मिट्टी हमने ऊपर से निकाली थी उसे वापस हमने गमले के ऊपर डाल दिया। और बहुत ही आप भी मेरे कहने पे एक बार ये ट्रिक अपनाएं, देखिए आपकी खाद के पैसे भी बचेंगे और जो इसमें प्लांट की ग्रोथ होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। देखिए क्योंकि किचन वेस्ट में हर तरह के छिलके होते हैं, हर तरह के पील्स होते हैं, कोई आपकी वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, फ्रिज में पड़ी पड़ी, वो सब आप डाल दे सकते हैं, बस पका हुआ खाना आपको नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और आप सब तरह के गीले सूखे छिलके, जो सूखे पत्ते हैं वो डाल सकते हैं, टहनियाँ छोटी छोटी डाल सकते हैं, किचन वेस्ट जो है वेट वो सारा डाल सकते हैं। अब देखिए इस गमले को मैंने पूरा ऊपर तक फिल कर दिया, इसमें जो 30-40% खाद डालनी थी उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। अब आप क्या करिए, जब फाइनली ऊपर तक गमला भर गया है तो इसको अच्छे से दबा दीजिए ताकि जो भी इसमें एयर पॉकेट्स वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाएं और जो भी किचन वेस्ट और मिट्टी है वो अच्छे से गमले में सेटल हो जाए, ताकि हमें बार बार इसमें ऊपर से और मिट्टी और खाद डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं आपको अपने पॉट्स की मिट्टी दिखाती हूँ, जैसे ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे हैं मैं अपने सारे पॉट्स ऐसे ही फिल करती हूँ। और देखिए किचन वेस्ट मिक्स होने से और होम्योपैथिक मेडिसिन की यूज़ से देखिए मेरी मिट्टी की क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है, जबकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही क्लेई सॉइल है, जैसे कीचड़ वाली मिट्टी होती है जिसे कि हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं। लेकिन अब आप गमले की मिट्टी मैंने आपको पास से दिखाई है और आप देख रहे हैं कि कितनी भुरभुरी और काली है, ये इसी किचन वेस्ट का कमाल है कि मैं अपने सारे गमलों में ऐसे ही किचन वेस्ट यूज़ करती हूँ। और सर्दियों में तो डेली बेसिस पे हमारी किचन में से इतना कचरा निकलता है, गर्मियों में तो देखिए खरबूजा तरबूज वगैरह के जो छिलके होते हैं तो उनमें पानी ज़्यादा होता है तो थोड़ी स्मेल की प्रॉब्लम रहती है, बट जो सर्दियों में किचन वेस्ट निकलती है जैसे मूली के पत्ते, शलगम साग के जो पीछे के डंठल होते हैं या गोभी के डंठल होते हैं, तो इनकी जब कंपोस्टिंग हम हैं तो इनमें पानी इतना नहीं होता तरबूज खरबूजे की तरह, तो बिल्कुल कंपोस्ट में बदबू नहीं आती। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।